नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का खबरों के संक में स्वागत है। आइए सबसे पहले करते हैं रुख आज के मुख्य समाचारों की ओर। एक माह से लापता प्रवासी मजदूर की हुई हत्या, शव जलघर के समीप फेंका, पुलिस ने किया केस दर्ज। दिव्यांग खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं, प्रतिभा के हैं धनी, कहा उपायुक्त ने। दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल किट देकर उपायुक्त ने किया सम्मानित, दी गुजरात चैंपियनशिप के लिए बधाई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हिसार के डोबी निवासी एक किसान की मौत, एक माह पहले हुआ था विवाद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। वाहन पासिंग के दौरान नॉर्म्स नहीं पूरे हुए तो नहीं होगा वाहन पास। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को गांव रिवासा जलघर के समीप एक प्रवासी मजदूर का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसे लेकर जिला सामान्य अस्पताल पहुंची। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। वहीं मूल रूप से यह व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है, जो एक माह से लापता बताया जा रहा था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला 50 वर्षीय सुल्तान करीबन एक माह पहले अपने घर से लापता बताया जा रहा था। मृतक के भाई रामबीर ने बताया कि सुल्तान को काफ़ी ढूंढा गया, मगर उसकी कोई खोज खबर नहीं लग रही थी। करीब दो दिन पहले ही उसका फ़ोन घर पर आया था और उसने खुद को सकुशल बताया था, लेकिन उसकी किसी ने तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक के सिर और शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस भी इसे हत्या का मामला मानकर चल रही है। गांव रिवासा के ग्रामीणों ने ही जलघर के समीप एक लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने मौके से हत्या के सबूत जुटाए और जिला सामान्य अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। बहरहाल पुलिस ने मृतक के भाई रामबीर के बयान पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। यह भी बताया जा रहा है कि सुल्तान गांव व आसपास ही यहां मेहनत मजदूरी करता था। ये हमारे से आज से डेढ़ दो महीना पहले घर से आया था, पाँच छः दिन रुक पाया था। पाँच छः दिन रुक कर आने के बाद हमको कुछ पता नहीं था, हमारे साइकिल में आके कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। अब ये हमारे पास तो कल अचानक इसका फ़ोन गया था, अब तुम्हारा भाई खत्म हो गया। गाँव रिवास देवी कला किसी की हुई हमारे गांव की टिग्री में कोचिंग स्टेशन बोल रहे हैं। टिग्री में एक आदमी सर में चोट लगने का मौत हो चुकी है। कार्रवाई के लिए पुलिस मौका दे कार्रवाई अटैक की गई है। नाम पता नाम वाले व्यक्ति स्थानीय लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में हरियाणा के खिलाड़ियों को उपायुक्त डॉक्टर अंशज सिंह ने गुजरात में 25 से 27 जून तक होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए बधाई दी है। गौरतलब है कि यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप PCCAI के बैनर और वडोदरा डिसेबल्ड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में करवाई जाएगी। जिला उपायुक्त ने PCCAI द्वारा ग्रेटर नोएडा में भारत अफगानिस्तान के बीच खेली दिव्यांग T20 सीरीज में भारत की जीत पर खिलाड़ियों को सम्मान देने की घोषणा की थी। इसी संदर्भ में उपायुक्त डॉक्टर अंशज सिंह ने जिला खेल परिषद की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 3 दिव्यांग खिलाड़ियों को करीबन 51,000 रुपये की राशि की खेल किट देकर सम्मानित किया। PCCAI की दिव्यांग टीम को बधाई देते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से आपसी भाईचारा व सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि भारतीय दिव्यांग टीम ने सीरीज जीत कर देश का नाम रोशन किया है और उसी प्रकार उन्होंने हरियाणा की टीम से उम्मीद जताई है कि यह टीम भी गुजरात की राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में प्रदेश व जिले का नाम रोशन करेगी। अभी हाल में ही नोएडा में जो मैच ऑर्गेनाइज किया गया था दिव्यांग खिलाड़ियों का, अफगानिस्तान की भी टीम आई थी, इसमें हमारी टीम ने काफ़ी विजय पाई है। इसी क्रम में इनको प्रोत्साहित करने के क्रम में हमने अपनी तरफ से जिला खेल परिषद की तरफ से किट एक एक किट दिया है ताकि आगे प्रोत्साहित हो सके और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सके। भिवानी सिटी स्टेशन के समीप एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। मृतक बाल संबंध हिसार के नज़दीक के गांव डोबी का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं उसके एक पैर में प्लास्टर भी बंधा हुआ है। बहरहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर इस संबंध में कार्यवाही आरंभ कर दी है। हिसार के गांव डोबी निवासी 35 वर्षीय सत्यवान का बुधवार को शव सिटी स्टेशन के समीप संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ मिला। मृतक के भांजे ने बताया कि सुबह करीबन 7 बजे
उसके पास सत्यवान का फ़ोन आया था तब वह हिसार था, मगर दोपहर 11 बजे उनके पास फिर से फ़ोन आया कि भिवानी सिटी स्टेशन के समीप उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है जिससे उसकी मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि सत्यवान मूल रूप से गांव गढ़ी का रहने वाला था और 7 साल पहले वह हिसार के डोबी में रहकर 7 एकड़ जमीन पर काश्त करता था। 1 माह पहले ही उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था जिसमें उसके पैर पर चोट आई थी जिसके चलते उसे प्लास्टर बांधा गया था। परिजनों ने सत्यवान की हत्या की आशंका भी जताई है। बहरहाल पुलिस ने शव का जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और इस संबंध में तफ्तीश आरंभ कर दी। सुबह 7 बजे ही बात हुई थी भाई की, तो वहाँ तक जब तो डोबी बात हुई थी घर पे ही, फिर 7 बजे के बाद ही घर से निकल ली। उसके बाद सीधे फिर हमने तोड़े एम्बुलेंस ले आई, किसी ने फोन कराया एम्बुलेंस ले आई और यहीं मतलब हमने मरे। मेरी सुबह उनसे बात हुई थी, अभी वो बात करे थे फ़ोन पे, अभी ऐसे ऐसे भाई दिक्कत दे रहे हैं। फिर दोबारा सुबह 7-8 बजे की बात हुई थी, और पहले ही कोई रंजिश आदि कुछ भी ना थी, बस मुझे आन जान को प्राप्त है। हमें 1 करोड़ का जिस दुकान से सूचना प्राप्त हुई थी पॉइजन केस में 1 करोड़ एक्सपायर हो गया, जो हम मौका पर आए हैं, इसके यहाँ रिलेटिव आए हुए हैं लेकिन परिजन इसके डोबे गाँव से आने लग रहे हैं, कार्रवाई। स्कूली बच्चों की सुरक्षा एवं सड़क पर वाहन चलाते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन पासिंग नियमों में सख्ती बरती जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्कूली वाहनों की, जिन पर कई तरह की कंडीशंस लगाई गई हैं, जिनके पूरे न होने की स्थिति में वाहन की पासिंग नहीं हो पाएगी। पेश है भिवानी हलचल की एक विशेष रिपोर्ट। भिवानी के औद्योगिक सेक्टर में वाहन पासिंग के दौरान लगे वाहनों के लंबे कतार और इनकी जांच कर रहे कर्मचारी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वाहन पूरी तरह से फिट है या नहीं। दरअसल वाहन पासिंग नियमों में बदलाव करते हुए खासकर स्कूली वाहनों के लिए नियम और भी कड़े कर दिए गए हैं। MVI जगदीश ढूल ने बताया कि स्कूली वाहन पासिंग के लिए GPS, स्पीड गवर्नर, CCTV कैमरा व हेल्पलाइन नंबर, फर्स्ट एड बॉक्स के अलावा सीट्स की कंडीशन भी अनिवार्य की गई है। इसके अलावा महिला अटेंडेंट होना भी ज़रूरी है। इसी तरह नए एवं पुराने वाहनों की पासिंग के लिए भी नियमों में सख्ती बरती जा रही है। गाड़ी के जैसे नई गाड़ी होती है उसके सारे डॉक्यूमेंट जो वहाँ से इशू होते हैं एजेंसी से, और उसके बाद 20 नंबर फार्म, 14 नंबर फार्म और फीस, फिटनेस फीस, उसको चेक कर करके गाड़ी कंडीशन चेक करके पास करते हैं। स्कूल की बस के लिए और भी ज़्यादा चेकिंग है, उसमें मतलब जैसे CCTV कैमरा होना चाहिए, GPS लगे होना चाहिए, और उसके लिए सीटों की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, और जैसे लेडी अटेंडेंट है तो लेडी अटेंडेंट के बारे में पूछते हैं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। एक माह से लापता प्रवासी मजदूर की हुई हत्या, शव जलघर के समीप फेंका, पुलिस ने किया केस दर्ज। दिव्यांग खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं, प्रतिभा के हैं धनी, कहा उपायुक्त ने। दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल किट देकर उपायुक्त ने किया सम्मानित, दी गुजरात चैंपियनशिप के लिए बधाई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हिसार के डोबी निवासी एक किसान की मौत, 1 माह पहले हुआ था विवाद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। वाहन पासिंग के दौरान नॉर्म्स नहीं पूरे हुए तो नहीं होगा वाहन पास। हमारे संग में बस इतना ही, अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।